He's in pain. और पता है पांच बाल्टी किसने भरी है? किसने? गुगली ने. वो ज्यादा उदास है. लेकिन पता है लोग नाग और नागिन से क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें नाग या नागिन से खतरा है. लेकिन तब क्या होगा जब नागिन खुद खतरे में हो? जाना चाहते हैं तो देखिए जियो रंगनाथन लाइव का एक खतरों में खिलाड़ी विद अ ट्विस्ट. This is Akshay Bimar. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जियो धनधनाधन खतरों में खिलाड़ी में. जिनको अकेले चलने का हौसला होता है उन्हीं के पीछे कुत्ते पड़ते हैं. क्या बात है, आज यहाँ पे नागिन आई हुई है तो ये स्टंट तो बनता है. बजाने का एक रीजन है, जिनको सांप बुलाना होता है वो बीन बजाते हैं. मेरी बीन नहीं मिल रही थी इसके पहले सांप बजा दिया. मुझे ऐसी तटपुंजी हरकत करने की आदत है, मेरे को मजा आता है. आप बहुत हैंडसम लग रहे हो. मांगे हुए कपड़ों में बहुत अच्छा लगता हूँ मैं. आप दोनों में से नागिन तो कोई भी नहीं लग रही. इतना जहर तो दिख ही नहीं रहा. बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप. थैंक यू. खेल शुरू करने से पहले मैं एक फोटो लेना चाहूंगा वीवो V9 से. मैं करिश्मा और अनीता से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज आए और यहाँ पे आपकी बड़ी खूबसूरत मैं फोटो खींचूंगा. ऐसी फोटो किसी ने खींची नहीं होगी तुम्हारी. बहुत ही खूबसूरत फोटो आई है आपकी. वेरी नाइस. ये देखिए और शॉर्ट रिफोकस का इस्तेमाल करके आप भी देखिए. कभी आप करिश्मा को फोकस कर सकते हैं और कभी आप अनीता को फोकस कर सकते हैं. Wow. बहुत जोरदार तालियां Vivo V9 के लिए भी. Kills me. हम भी इस गेम में पार्ट लेगा. Yes. Oh, कौन तुम लोग? Excuse me, आपने हमें नहीं पहचाना? हम Annabella और ये Isabella. मैं Isabella या Annabella? Yeah, मेरे को बेला कम थैला ज्यादा नजर आ रही है. इनको देख के मेरा मूड बना था सारा खराब कर दिया. ये शो मैंने इज्जतदार लोगों के लिए बनाया है, समझी तुम? So? तुम्हें क्या लगता है हम उनसे कम है? बिल्कुल भी नहीं, हम उनसे ज्यादा ही है. अरे हम तो इतने डेंजरस है, हम तो कल तो सड़क पे ऐसे ही घूम रहे थे बिना किसी डर के. इसमें क्या खतरा हुआ? जब चार चार लोग पीछे चोर चोर करके भाग रहे हो तब समझ में आएगा क्या खतरा होता है. ए भैया मेरा भी बताओ, मैं 2-3 घंटा भालू के साथ रहती है. ये तो फिर भालू के लिए स्टंट हुआ, तेरे लिए थोड़ी हुआ. चलिए गेम शुरू करते हैं. करना क्या आपको? यहाँ पे ग्लास है और यहाँ पे ये अंडों जैसी गेंद रखी हुई है. चिंता ना करें, अंडा नहीं है. आपको ये टप्पा खिला के इस ग्लास में डालना है. इसके ऊपर जूस का नाम लिखा है. जो भी जूस का नाम निकलेगा वो जूस आपको पीना होगा. आइए पुग लेते हैं पहले कौन सी टीम की बारी है. आपकी टीम की बारी. पहले करिश्मा की टर्न आई है. खड़ा हो जाओ, खड़ी हो जाओ आप. I will Excuse wish you me. luck. Thank you. और चाहिए लक? और चाहिए? Thank you. और चाहिए? नहीं, उस आपने चीटिंग किया. Yes. हमारा ऐसा आया, उनका ऐसा आया. अब तुम्हारे ऐसा ना आ जाए, चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे. हमने देखा है जो एक काम करती. ये दिस इज नॉट फेयर. Yes. Okay. चिड़िया उड़ छोटा उड़ करो. Right. Fine. चिड़िया उड़ उड़े, तोता उड़ उड़े, कुत्ता उड़. कुत्ता किसी का भी नहीं उड़ रहा है. चिड़िया उड़, तोता उड़, बैला उड़, कबूतर उड़, भैंस उड़. तीन लोगों की भैंस उड़ गई है. आउट आउट. हमारा भैंस प्लेन. दोनों हाथ आप यहाँ रखिए, आपको लड़कियाँ चप्पड़ मारेंगी. सबसे पहले करिश्मा नमक डालते हुए वो जोर के चप्पड़ मारा है. देखते कितने चप्पड़ मार पाती है. दो चप्पड़ मेरे को भी छापड़. तो फिर भैंस उड़ाने से पहले सोचना चाहिए था ना. तुम इधर उधर. आपने इसके हाथ पे मारा, आप इसके फेस पे भी मार सकती हैं. वहाँ खड़े हो जाओ. मुझे तो डर है आपको ऐसे दबोच न ले ऐसे करके. आइए सबसे पहले करिश्मा तन्ना जो लंबी नागिन है
वो बॉल फेंकेगी फुल लेंथ नागिन. ये अंडा होता ना तो आप इतनी हॉट है, बच्चा पूजा ले चुका होता है. चलिए अभी आपकी बारी आई. करिश्मा का बॉल गया है नीम के ग्लास में. अब इनको नीम का ग्लास पीना पड़ेगा, नीम जूस का. ये रहा नीम. ओह नो, वन सेकंड, ये तो उनको पीना पड़ेगा. तुम्हें नाक से पिलाएंगे, तुम्हारे फेफड़ों में जाएगा. छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो. मैंने उसको छोड़ दिया, तू मुझे क्यों पकड़ रही है? करिश्मा और अनीता जीत गई है. आप लोगों को मिलता है मेरी तरफ से जबरदस्त हक. आइए अब देखिए मैं खेलूंगा. ये देखिए यही मेरा गेम था. इतने बॉल फेंकने के बाद भी आप देख सकती है कोई भी नहीं जा रहा. जा रहा है. आओ अभी इनको नीम पिलाओ. उनकी शक्ल देखो, तुम्हारी शक्ल देखो. उनको नीम पिलाना बंद है. उनके लिए ये है फ्रेश ऑरेंज जूस. एप्पल पर लग ऑरेंज रहा है. इनके लिए ऑरेंज कलर का एप्पल जूस. आप देख सकते हैं फ्रेश. आपने देखा किस तरह से करेक्टर के हिसाब से ऊपर वाले ने जूस अलॉट कर दिए. इनकी किस्मत में नीम, इनकी किस्मत में ऑरेंज. और आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले राउंड की तरफ. ये राउंड ऐसा है जिसके अंदर किसी की जान भी जा सकती है. लाया जाए वो गेम प्लीज. एक मिनट. क्या हुआ, हालत खराब हो गई? नहीं, हम देख रहे थे वो बराबर बजा रहे कि नहीं. यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपको दिवाली की मिठाई नहीं खिलाई जा रही है, ये कुछ और है. लेकिन इस तक पहुंचने के लिए मैं आपसे एक बजर राउंड करूंगा. एक सवाल पूछूंगा, चार ऑप्शन दूंगा, जिसको पता होगा वो बजर दबाएगा और चांस पाएगा बहुत बड़ा इनाम जीतने का. सर बजर कहाँ है? प्रोडक्शन वैल्यू के हिसाब से ये बहुत बड़ा बजर है. ठीक है, इसको आप बजा दीजिए. चलिए सवाल मैं आपसे पूछता हूँ. सजना बहुत बहुत स्वागत आपका. सवाल है आपके साथ. पहला और आखिरी सवाल है, नाक में फन क्यों होता है? आपके ऑप्शंस है, ए नाक कॉमेडियन होते हैं इसलिए फन होता है, बी नाक अनमैरिड होते हैं इसलिए फन होता है, सी सुप्रीम कोर्ट का दबाव है इसलिए नाक में फन होता है, या डी ऐसी लड़कियां सामने हो तो फन ही फन होता है. बजर तोड़ रहे हो, बजर तुम लोग तोड़ रहे हो. बजर बजा ले. It was her mistake. हमने पहले बजर जुबाया था. ये इतना तंग करता है हमको, हम परेशान हो गए. इसके साथ हमको नहीं खेलना. हमको भी तुम्हारे साथ नहीं खेलना है. What do you mean? जो बार मैं करवा थी, एक बार भी तुम नहीं. एक सेकंड. Yes, yes. बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो. आप चिंता ना लो, मेरे को ये दो. मैं उसके साथ नहीं खेलेगा. मैं भी इसके साथ नहीं खेलेगा. I want you.
Killer, please. Oh, okay. मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई भी टेंशन हो मेरे पास आइए, मैं आपका सारा सॉल्व कर दूंगा. सुनिए, ईश्वर ने अपने आप दो टीमें बना दी है. अच्छा? अब आप टीम है और आप एक टीम है. करिश्मा आप इधर आइए. 16 बॉक्सेस रखे हुए हैं, 8 में मेकअप का सामान है, 8 में नहीं है. किसी के अंदर आपको काजल मिलेगा, किसी के अंदर लिपस्टिक, रूज और मस्कारा वगैरह, और हो सकता है खाली डब्बे में आपको कुछ भी ना मिले. ओके, थैंक यू. वन बाय वन आप लोग डब्बा खोलेंगे. जिसके हाथ में मेकअप का सामान निकला उसके मुंह पर दूसरी टीम का इंसान मेकअप करेगा. आप लोगों को समझ में आ गया? क्योंकि मुझे कोई समझ में नहीं आया बात, लेकिन बिना समझे आइए शुरू करते हैं खतरों में खिलाड़ी का ये शर्मनाक खेल. खेलने से पहले आइए फूंक लेते हैं. एक काम करते हैं, इधर दो सेट में करते हैं, क्योंकि हाथ टच होंगे फिर ले लेंगे. करिश्मा, हम दोनों ने किया, हम जीते. क्या? नहीं नहीं, चीटिंग की जरूरत नहीं. मैंने देखा चीटिंग की पहले ही चीटर. इनसे बच के रहिएगा, आपका माइक निकाल के ये कैसे हुआ? इनका रोज का, आप टेंशन न ले, आप टेंशन न ले, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम मुझसे बताएं, आप टेंशन न ले. ये डब्बों में मेकअप का सामान भरा हुआ है तेरे मामा ने. किस पे आने डब्बा खोलेंगी? करिश्मा तरना, चलिए डब्बे खोलिए. कि ये और कितनी ज्यादा पत्ती लग सकती है. सॉरी. इस गेम के विनर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन भयानक लूजर ये दोनों है यहाँ पे मेरे साथ में. चलिए बढ़ते हैं हमारे फाइनल गेम की तरफ, जिसके अंदर आपको अपने डांस का जौहर दिखाना होगा. दोस्तों, इस खतरों से भरे खेल का नाम है बीन बजावे सुरेंद्र ते नागिना नच्चन. इसमें आपको धीरे धीरे म्यूजिक बजेगा तो धीरे धीरे डांस करना है, मीडियम बजेगा तो मीडियम मीडियम डांस करना है, और फास्ट बजेगा तो द्रुत गति में डांस करना है. आइए शुरू करते हैं खतरों में खिलाड़ी का ये आखिरी गेम. इसमें नागिने चल रही थी लेकिन लहराती हुई नजर नहीं आई. आइए देखते नागिने लहराती कैसे है. एक्शन रिप्ले में म्यूजिक बजाइए. Well, what can I say? Never a dull moment on the show.